हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं जा रहा हूं यंग अचीवर्स का अवार्ड लेने, जिसके लिए मुझे इवेंट में बुलाया गया है। तो आज के वीडियो में हम यही सब देखेंगे, तो वीडियो पूरी देखना और वीडियो को स्किप मत करना। बिजनेस एक्सीलेंस यंग अचीवर्स अवार्ड सीजन 2, यानी एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पे अपने अपने फील्ड में, अपने अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा करने वाले, कुछ इनक्रेडिबल करने वाले लोगों को, प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाना है। इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट माननीय श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी हैं, जो कि उत्तराखंड सरकार यानी हमारे राज्य की सरकार के वित्त मंत्री व शहरी विकास मंत्री हैं। और ये इतना सुंदर नज़ारा जो आप सभी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ इस वक्त, ये है द नीरज रिवर फॉरेस्ट रिजॉर्ट, जो कि हमारे ऋषिकेश चिल्ला में स्थित है। मैं यहाँ अपने मामा जी के साथ आया हूँ, जिन्हें आपने कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित होने वाले वीडियो में भी देखा होगा। मुझे विश्वास है कि आप सभी को भी ये जगह बहुत पसंद आ रही है, जैसे कि मुझे। इसीलिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इस जगह की लोकेशन का लिंक शेयर कर दूंगा, ताकि आप भी अगर विजिट करना चाहें तो ज़रूर यहां करें। बस कुछ ही देर में हमारे चीफ गेस्ट आ जाएंगे और हमारा प्रोग्राम, हमारा सम्मान समारोह शुरू होगा। इसमें आपकी ईमानदारी छिपी होगी, इसमें आपकी कड़ी मेहनत छिपी होगी, इसमें आपके बीच में ऊपर भगवान की कृपा रहेगी और साथ में आपके परिवार का भी योगदान रहा होगा। इसलिए इस नाते मैं आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूँ। ये चूँकि मुझे कहने में संकोच नहीं है कि हमारे यहाँ जितने लोग यहाँ पे हैं, जिनको अभी सम्मान यहाँ पे दिया जाने वाला है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं। इनके पास ना तो समय होता है, ना इनके पास वो स्थिति होती है, लेकिन माँ गंगे और हमारा उत्तराखंड ये आकर्षित भी करता है और उसमें भूमिका निभाई पूजा जी ने। इसलिए आपको फिर से मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ और आखिर में आप सबके प्रति मंगल कामनाएं करते रहे, क्योंकि आपसे हम लोग भी प्रेरणा लेते हैं और आपके इस और एक बार वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। बे सारी तालियों से हम स्वागत करते हैं राजेश चंद्रा जी का। राजेश जी आ गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू राजेश जी, जिन्होंने इस उम्र में इतने सारे एक्लेज जीते हैं। इट्स अनबिलीवेबल, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू राजेश चंद्रा जी। देवियों सज्जनों, जोरदार तालियों से हम बधाई देना चाहेंगे हमारे सुपर अचीवर श्री दीपक चावला सर। थैंक यू सर। First of all, I want to thank the organizer of this event for thank you, Deepak Chawla ji, to give me for this Young Achievers Award, and this award we welcome you here, sir, because of my achievement at the prestigious Business Excellence and Young Achievers Awards 20, participated in Guinness Book of World Records 2 times, and a part of successful World Book of Records. Thank you, Your Excellency. For this, I have this. सो फाइनली मैं अपने साथ अपने घर लेके आया यंग अचीवर्स अवार्ड 2022। अवार्ड पाते ही मुझे मेरा बचपन याद आ गया एकदम से, जब मैं क्लास 5th या 6th में था। माननीय श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी हमारे स्कूल NGA में आए थे और क्लास 5th या क्लास 6th में ही मुझे अवार्ड दिया था एक पेंटिंग कंपटीशन के लिए। उसके बाद कई ऐसे मौके हुए जब मुझे उनसे सम्मानित होने का अवसर मिला। सही से याद करूं तो 12 या 13 बार मुझे उनसे अवार्ड या सम्मान प्राप्त हो चुका है। ऐसे मौके पर मैं कोट करना चाहूँगा मेरी इंस्पिरेशन सुपरस्टार रजनीकांत जी को, क्योंकि वो कहते हैं कि मैनी पीपल डोंट बिलीव इन मिरेकल्स बट मिरेकल्स डू हैपन। इफ एन ऑर्डिनरी बस कंडक्टर इज शेयरिंग डाइस विद बिगेस्ट डिग्नेटरीज ऑफ इंडिया, देन यस मिरेकल्स डू हैपन, यानी चमत्कार होते हैं। वो मानते हैं कि एक आम बस कंडक्टर से लेकर एक सुपरस्टार बनकर वो अगर आज देश की नामी हस्तियों के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं, उनसे सम्मान पा रहे हैं,
तो चमत्कार होते हैं। मैं भी इस चमत्कार में विश्वास रखता हूँ और इस चमत्कार को सबसे बड़ा बनाने में आप सभी का योगदान है, क्योंकि आप सभी के प्यार, आप सभी के आशीर्वाद के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं। ये मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ। तो अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखें और देखते रहें मेरे वीडियो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। मिरेकल्स डू हैपन।